दोस्तों नो बॉल पर कुछ इस तरह से आउट हुए मयंक अग्रवाल की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में, कैसे आउट हुए मयंक अग्रवाल ये पूरी बात आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों के टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भिड़ रही है। पहले टेस्ट को आसानी से जीतने वाली टीम इंडिया इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला गलत साबित हुआ और भारत ने अपने दोनों ओपनर्स को सिर्फ 29 रनों पर गंवा दिया। वहीं पहले दो विकेटों में से एक विकेट मयंक अग्रवाल का ही था। मयंक का विकेट कप्तान रोहित की वजह से गिरा। दोस्तों दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम को मयंक अग्रवाल के रूप में पहला झटका लगा। इस विकेट को जिम्मेदार मयंक अग्रवाल नहीं बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा ही थे। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि मैच के दूसरे ही ओवर में मयंक अग्रवाल रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की ओर से ओवर फेंकने आए विश्वा फर्नांडो की गेंद सीधा मयंक के पैड पर जा लगी। तभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, हालांकि अंपायर ने इस अपील को ज्यादा भाव नहीं दिया। इसी बीच मयंक और रोहित के बीच स्थिति का फायदा उठाकर रन दौड़ने की कोशिश की। मयंक अग्रवाल क्रीज छोड़कर काफी आगे निकल आया और रोहित शर्मा अपनी क्रीज से बाहर ही खड़े रहे। ऐसे में दोस्तों तभी रोहित शर्मा ने वापस जाने का फैसला किया और श्रीलंकाई टीम ने मयंक को रनआउट करा दिया। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये गेंद तो नो बॉल थी लेकिन मयंक रनआउट हुए और इसी कारण उन्हें आउट दे दिया गया। दोस्तों मयंक के रनआउट होने के बाद कप्तान ने गेंदबाजी की इस तरह से नो बॉल दिया। मयंक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नाखुश थे। मयंक इस हिसाब से बेहद नाइंसाफी का शिकार हुए। इस घटना के बाद खुद कप्तान रोहित भी ज्यादा खुश नहीं नजर आया और दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हालांकि बाद में रोहित खुद 15 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट गया। ऐसे में दोस्तों काफी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मयंक अग्रवाल आउट हुए, जो कि आगे से आने वाले समय में उनको ध्यान देना चाहिए क्योंकि मयंक अग्रवाल का फॉर्म अच्छा नहीं है। टीम इंडिया से वो ड्रॉप भी हो सकते हैं अगर इसी तरह के क्रिकेट खेलते रहे तो। आपके हिसाब से क्या मयंक अग्रवाल को वापसी करनी चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसी तरह की क्रिकेट खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।